पानीपत के गांव डाहर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को चाकू से वार कर मौत के घाट उतार दिया। पत्नी ने पहले उसे खाने में नशे की 20 गोलियां खिलाई और फिर बाद में बेहोशी की हालत में उसकी हत्या कर डाली। घटना को अंजाम देकर पत्नी ने उसके शव को कोठरे में फेंक दिया और बच्चों समेत बहादुरगढ़ स्थित अपने मायके चली गई। अपने घर जाकर महिला ने परिजनों को पति के 15 दिन के लिए काम पर जाने की बात बताई। जब परिजनों को शक हुआ तो वो उसे पानीपत इसराना थाने में ले आए, जहां पुलिस पूछताछ में हत्या की बात सामने आई। पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है और पानीपत के सिविल अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पुलिस के अनुसार गांव डाहर की रहने वाली ज्योति ने पुलिस पूछताछ में बताया कि गांव के ही रहने वाले श्रीकांत के साथ उसके अवैध संबंध है। बीते रविवार को ज्योति ने अपने प्रेमी श्रीकांत के साथ मिलकर पति करमबीर को जान से मारने की योजना बनाई। श्रीकांत ने ज्योति को पहले नींद की गोलियां लाकर दी। ज्योति ने करमबीर को खाने में तोरी की सब्जी दी। सब्जी में उसने लगभग 20 नींद की गोलियां डालकर उसे खिला दिया, जिससे करमबीर बेहोश हो गया। उसकी साजिश है मिसेज की और उसका कोई यार दोस्त है उसकी। कब की बात है ये? 19 तारीख की। और पता कब चला? पता कल चला शाम को। कैसे की गई है हत्या? तेज धार हथियार से मार रखे। बता रहे हैं कि पहले को नशे की गोलियां वगैरह। हाँ, गोली वगैरह देके। और जब कहाँ पे करी है? ये घर में ही किया अपने और मार के फिर आगे ट्यूबल पे लेके गए। तुम महिला के साथ में और कौन लोग थे? कोई होगा साथी, गांव का ही लड़का है, वो भी पकड़ा जा रहा है। किस समय कराई ये घटना? ये 19 तारीख को रात को है। रात की बात है। डेड बॉडी कल रात को। महिला के कुछ साथ कुछ संबंध वगैरह थे उनके, जो दूसरा साथी है? हाँ, कहने में तो ऐसे ही आ रहा है। प्रेमी था उनका? हाँ। करमबीर के बेहोश होने के बाद ज्योति ने घर में श्रीकांत को बुलाया और दोनों ने मिलकर एक के बाद एक 13 बार चाकू से वार कर करमबीर की हत्या कर दी। श्रीकांत जब डेड बॉडी को अकेले बाहर न ले जा पाया तो उसने अपने अन्य साथी की मदद ली, जिसके बाद उन्होंने श्रीकांत के खेतों में बने कोठरे में करमबीर के शव को फेंक दिया, जहां उसे करमबीर की चद्दर में ही लपेटा गया। अगले दिन सुबह करीब 11:30 बजे ज्योति अपने दोनों बच्चों के साथ बहादुरगढ़ मायके चली गई। बता दें कि करमबीर 3 भाइयों में सबसे छोटा था। उसकी 3 बहनें भी हैं। उसकी बहादुरगढ़ निवासी ज्योति के साथ 15 साल पहले शादी हुई थी। करमबीर शादी के पहले से ही परिवार से अलग रहता था। करमबीर के 2 बच्चे भी हैं। वो फेरी लगाकर कपड़े बेचता था और अक्सर ज्योति को श्रीकांत से बातचीत बंद करने की बात कहता था। वहीं सराना थाना पुलिस को दी शिकायत में परिजनों ने पहले ही बताया था कि उसके भाई और पत्नी ज्योति का कई दिनों से मनमुटाव चल रहा था। ज्योति के गाँव के रहने वाले युवक श्रीकांत के साथ उसके संबंध है। फिलहाल इस सारे मामले की पुलिस जांच कर रही है। कल रात को गांव डार कराने वाले एक व्यक्ति है धर्मवीर, उसने शिकायत दी कि 2 दिन से उसका भाई करमवीर है वो घर से गायब है और उसने गांव के एक लड़के पर और जो उसका भाई है उसकी पत्नी पर शक जाहिर किया था। तो जैसे हमने पूछताछ के लिए उस लड़के को बुलाया तो उस लड़के ने पूछताछ के दौरान कबूल किया कि उसने 19 तारीख को ही जो है जो गुमशुदा व्यक्ति है करमवीर उसकी चाकुओं से चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी थी और हत्या करने के बाद जो है उसकी डेड बॉडी को बिनझोल वाला जो रोड है गुआना रोड, इस पे पेट्रोल पंप है उसके पीछे एक ट्यूबवेल का एक कमरा बना रखा है, उसमें डेड बॉडी को उसने डाल दिया था। तो सर ये इसके बारे में प्रेम प्रसंग का मामला आ रहा है, सर इसमें क्या अभी प्राइमा फेशाई जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये सामने आया है कि जो गांव का रहने वाला व्यक्ति है जिसने ये करमबीर का मर्डर किया है उसका मृतक की पत्नी के साथ बोलचाल थी और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, उसमें देखते हैं आगे क्या निकलता है। किन धाराओं के तहत इसमें कार्रवाई की जाए? ये जो शुरू में जो हमारे पास कंप्लेंट आई थी वो 346 की आई थी, जिसमें किसी व्यक्ति को कोई छुपा लेता है। तो लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब आरोपी से सस्पेक्टेड से पूछताछ हुई
तो डेड बॉडी मिलने के बाद हमने मुकदमे में 302, 201, 34, 120 भी धाराएँ ईजाद की। सर इसमें और भी कोई शामिल है? हाँ बिल्कुल, इसमें एक्यूज ने बताया है कि इस वारदात में उसके साथ एक व्यक्ति और साथ था, तो उसकी अभी हम तलाश कर रहे हैं और नाम मैं अभी नहीं बताना चाहूँगा। रिपोर्ट वगैरह में पेश करेंगे? हाँ बिल्कुल, हमने जो मृतक है करमबीर उसकी पत्नी को भी अरेस्ट कर लिया है आज, और रात को हमने जो एक्यूज्ड है जो गांव का ही रहने वाला था उसको गिरफ्तार कर लिया। अब माननीय न्यायालय में उनको पेश करके और हम रिमांड सीख करेंगे ताकि इन्वेस्टिगेशन में और चीज़ें सामने आई जा सकें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।